इंजन को एग्जामिन करने के बाद सोइचिरो के मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने आज की होंडा कंपनी की नींव रखी। एक्चुअली वॉर के बाद फ्यूल की काफी कमी थी जिस कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए ज्यादातर लोगों को हर जगह साइकिल से ही ट्रैवल करना पड़ता था। सोइचिरो का आइडिया था इसी साइकिल को मोटराइज करने का। इस काम के लिए उन्होंने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। अपनी स्किल्स का यूज करके इस मिलिट्री इंजन को मॉडिफाई किया और साइकिल्स में फिट कर दिया, जिससे अल्टीमेटली एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनके तैयार हो गई और ये एक इंस्टेंट सक्सेस भी बन गई।